जय बिहार दोस्तों। हाल ही में यानी कि 11 अप्रैल को फणीश्वर नाथ रेणु, जिनको हिंदी का महान साहित्यकार के रूप में जानते हैं, उनका पुण्यतिथि मनाया गया और ये बिहार के महान विभूति के रूप में जानते हैं इनको। आपको बताने चले कि इनका जन्म जो हुआ था 4 मार्च 1921 को हुआ था, और कहाँ पे हुआ था तो आपको याद रखना है, ओराही हिंगना जो की अररिया में पड़ता है। उस समय जब जन्म हुआ था उस समय ये जगह जो है फॉरबिसगंज, पूरा नाम है फॉरबिसगंज और राही हिंगना, जो कि उस समय पूर्णिया में था मगर वर्तमान में अररिया में देखने को मिलता है। और आपको बता दूं कि इनका निधन जो हुआ था 11 अप्रैल 1977 को हो गया था। और हिंदी के ये जाने माने महान साहित्यकार के रूप में जाना जाते हैं। और इनका एक पहला उपन्यास आया था जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, और वो 1954 में वो उपन्यास आया था जिसका नाम क्या था, मैला आंचल। और मैला आंचल इनको बहुत ज्यादा प्रसिद्धि लेकर आए। और आपको बताते चले कि ये भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय रहते, यानी कि एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी जाने जाते हैं। और आपको बताते चले कि इनको पद्मश्री अवार्ड 1970 में मिला था। और 1970 के बाद कुछ दिनों के बाद क्या होता है, कुछ समय के बाद आप लोग देखे होंगे कि उस समय एक तरह से आंदोलन हो रहा था, जेपी आंदोलन। तो जेपी आंदोलन में जो भी लोग वहां पे आंदोलन में भाग ले रहे थे तो उनको जो है लाठीचार्ज वगैरह कर दिया जाता है। तो इनके द्वारा जो भाई ये क्रांतिकारी लोग थे भाई, तो इनके द्वारा बोला जाता है कि भाई हम पद्मश्री जो मिला है इनको वापस कर देंगे। और इन्होंने पद्मश्री को पाप श्री के रूप में कहा था, बोला था कि नहीं भाई ये पद्मश्री को हम ना रख भाई, और ये पद्मश्री को पाप श्री के रूप में कहते हैं। तो इनको 1970 में पद्मश्री अवार्ड मिला था, 1954 में इनके द्वारा मैला आंचल नामक एक उपन्यास भी लिखा गया था। और इनकी उपलब्धि अगर बात की जाए, एक मूवी देखे होंगे आप लोग, तीसरी कसम, एक तीसरी कसम एक फिल्म आया था इन्हीं के कहानी पे बनी थी। इनके द्वारा एक कहानी का संग्रह, एक किताब लिखा गया था पूरी तरह से था, जिसका नाम था ठुमरी, जिसमें कहानी का संग्रह था। उसमें से एक कहानी था मारे गए गुलफाम। तो मारे गए गुलफाम पे ही एक मूवी बना है, यानी कि इनके द्वारा लिखित कहानी पर ही एक मूवी बना था जो कि तीसरी कसम नाम था। अब पूरा वर्ल्ड वाइड वो फेमस रहा था मूवी, ऐसा नहीं कि भारत में, वो विश्व स्तर पे पूरा का पूरा फेमस रहा था। तीसरी कसम इन्हीं के कहानी पे जो है मूवी बना था। तो अभी तक का अपडेट था भाई फणीश्वर नाथ रेणु संबंधित, इनका जन्म पूछा जाएगा तो बताइएगा, उराही हिंगना जो कि अररिया में देखने को मिलता है, और इनका मृत्यु जो हुआ था 11 अप्रैल 1977 को हो गया था। तो इन महान योद्धाओं को सशस्त्र नमन। हम उम्मीद करते हैं भाई आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, जरूर सेशन करना है आप लोग को, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो को पसंद करवाना है, आप लोग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। तो इसी तरह के मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप लोग जरूर जुड़े रहे बीपीएससी एग्जामपुर से। जय बिहार।